फैमिली वेलकम टू अवर चैनल। मैं हूँ वैशाली, आप सभी लोग का स्वागत करती हूँ वैशाली मित्रा के फैशन डोज पे, आपका और मेरा फेवरेट वीडियो। यस, ज्वेलरी एक्सेसरीज मतलब एक ऐसी चीज़ है जो ना आपके लुक को 1 on 10 ले जा सकती है। ठीक है, तो आज ऐसी ही मैं एक्सेसरीज़ की बात करने वाली हूँ, वो भी मीशो से होने वाली है, बहुत अफोर्डेबल और बहुत ही स्टाइलिश। मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही थी कि कुछ कोरियन ज्वेलरी और कुछ डेंटी पीसेज हमारे साथ शेयर करो, तो मुझे मीशो पे कुछ ऑप्शंस दिखे जो मुझे बहुत अमेजिंग लगे। वीडियो को शुरू करते हैं और मैं आपके साथ शेयर करूँगी कुछ एक्सेसरीज़, हेयर एक्सेसरीज जो कि बहुत क्यूट है और सब लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सभी के कोड्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, वीडियो को स्टार्ट टू एंड तक पूरा देखना, बहुत अमेजिंग होने वाली है। सो जब हेयर एक्सेसरीज की बात हो ही रही है तो आज शुरू करते हैं हेयर एक्सेसरीज से। फर्स्ट जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, सॉरी मैंने एक ऑलरेडी गिरा दिया है, दिस क्यूट क्लचर। ओ माय गॉड, लुक एट दिस। इसके ऊपर ना पूरा ये फर लगा हुआ है वाइट कलर का, एंड वाइट कलर की बो है, एंड लुक एट दिस क्यूट पॉम पॉम्स, और ये पर्ल का पूरा चेन लगाया हुआ है। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पर ना लॉक सिस्टम है, आप इसको रिमूव भी कर सकते हो, खाली ये भी लगा सकते हो, बहुत अमेजिंग क्वालिटी और आई जस्ट लव इट। इसके साथ मैं इसको अटैच कर दूंगी, वेट अ सेकेंड, अब मुझे अटैच करने वाली जगह नहीं मिलेगी। दोबारा से मैंने इसको लगा लिया है, आप इसको लगाओगे तो ये इतना क्यूट लगने वाला है। अभी मैं यहाँ साइड पे लगा कर इसे दिखा रही हूँ ताकि आप इजीली देख पाओ। लुक एट दिस, सच अ क्यूट क्लच क्लचर। सो गो फॉर इट, मैं सभी के कोड दे रही हूँ, जल्दी से चाहे वीडियो को पॉज करना पड़े, प्लेस योर ऑर्डर नाउ। नेक्स्ट एक्सेसरी, ओ माय गॉड, लुक एट दिस प्रिटी पीस। इसको आई डोंट नो क्या बोलते हैं, बच्चू भी बोलते हैं, आई जस्ट लव इट। ये देखो, यहाँ पर ना एक बटरफ्लाई बनी है राइनस्टोन की, यहाँ पर ब्लू कलर की, लाइक इसकी तरह मुझे इस तरीके से ब्लू कलर की बटरफ्लाई ना बहुत अच्छी लगती है। इसमें बस रिंग है और नीचे एक मोट बड़ा सा पर्ल लगा हुआ है, यहाँ पर पूरे छोटे छोटे पर्ल्स है। इट इज़ लाइक दिस, ये ऐसे ओपन होता है, मतलब मैं मॉडल इमेज यहाँ पर ऐड कर रही हूँ। जब भी आप कोई हाफ बन या फिर हाफ बालों में क्लचर लगा लेते हैं ना सिंपल, ये आप इस तरीके से ऊपर से ऐसे लगा दीजिए, एंड ये बहुत खूबसूरत लगता है। और ये लगाने में बहुत इजी है और सब सोचेंगे आपने क्या लगाया हुआ है। सो ये वाला एक्सेसरी बहुत अच्छा है। अब हेयर एक्सेसरीज़ की बात हो रही थी तो इसमें मैं आपके साथ एक हेयर एक्सेसरी और शेयर करूँगी। मैंने ऐसा ना एक हेयर बो क्लिप मैंने आई थिंक अमेज़ॉन से शेयर किया था, बट वो बहुत जल्दी स्टॉक आउट हो गया था। ये ब्यूटीफुल ग्रे एंड बेज कलर में एक क्लिप है, बो क्लिप, और आगे एक पर्ल है, नीचे एक पर्ल का ड्रॉप है, आई लव इट। इसका ना ये वाला क्लिप है ये, सो हाफ बालों को ना टाई करके इस तरीके से बो लगा लीजिए, एंड आपको कुछ भी और लगाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सुंदर लगता है। सो इट इज़ एक्चुअली कोरियन जो भी है हेयर एक्सेसरी एंड ऑल। मूविंग टू द नेक्स्ट सेगमेंट, अब मैं इयर रिंग्स की बात करती हूँ। इयर रिंग्स ऑब्वियसली सभी लोग वेट कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले मैं अपना वाला दिखा देती हूँ जो मैंने इस वक्त पहना हुआ है। ये देखो, ये बहुत सुंदर ना हूप्स के साथ पर्ल ड्रॉप का इयर रिंग है जो कि बहुत सुंदर लगता है। उसमें ना कोई पुश नहीं है, ये जस्ट ऐसे ओपन होता है लाइक दिस, और इस तरीके से आप बंद करके इसको पहन सकते हैं। काफ़ी सुंदर और यूनिक डिज़ाइन है ये, देखो। सो पहना हुआ कुछ इस तरीके से लगता है, क्योंकि ना बहुत मुश्किल होती है जब भी हम वेस्टर्न्स पहनते हैं ना कि हमें ज्वेलरी और एक्सेसरीज एक्चुअली में कैसी कैरी करनी है। एंड नेक्स्ट जो पेयर है, दिस ब्यूटीफुल चेक्स हार्ट वाले इयर रिंग्स। ऐसे ना मैंने बहुत बार ट्राई किए कि मुझे मिल जाए, बट हर बार स्टॉक आउट हो जाते थे। इस बार मुझे जैसे ही मिले मैंने फटाफट से पिक कर लिए। इसमें हालांकि ना मॉडल इमेज पर मुझे लग रहा था कि साइज़ बड़ा है, बट स्टिल ये देखो बहुत क्यूट लगते हैं। कुछ भी आपने मतलब पैपी सा नहीं पहना है, बहुत ही सिंपल बेसिक टी शर्ट पहनी है, डेनिम पहना है या ड्रेस पहनी है, उसके साथ ये वाले क्यूट इयर रिंग्स बहुत ज़्यादा सुंदर लगेंगे। सो आप ट्राई करना, क्वालिटी वाइज भी काफ़ी अच्छे हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट पेयर ऑफ इयर रिंग्स, ये वाला बड़ा इंटरेस्टिंग है, मतलब इसके साथ ना बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हो। कैसे मैं आपको बताती हूँ, ये उलझ गया है, वेट अ सेकेंड। ये इस तरीके से आपको इयर रिंग मिल रहा है, नीचे 3 चेन के साथ हार्ट के ड्रॉप्स हैं, एंड ऊपर सिंगल पर्ल है। अब इसमें ट्विस्ट इतना बढ़िया है, आगे आपको जो स्टड मिलता है वो मिलता है ये सिंगल पर्ल,
एंड जो एक्चुअली पुश है, पुश के नीचे आपको ये वाले ड्रॉप्स मिलते हैं। तो अगर आप ये वाला ईयरिंग नहीं पहनना चाहे, वैसे तो ये वाला बहुत सुंदर लगेगा, बट स्टिल आपके पास कोई और ईयरिंग है गोल्डन में और छोटा स्टड है, उसके पीछे आप ये वाला पुश लगा के उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना सकते हो। एक्चुअली में बहुत प्यारी चीज़ है ये, देखो। चलो जी, मूविंग टू द नेक्स्ट पीस। मैं आज सारी ज्वेलरी गिराने वाली हूँ, आई एम श्योर। नेक्स्ट, ओ माय गॉड, आई लव इट। ये देखो, ये ना ये सब उलझ जाते हैं। ओके, दीज पर्ल ईयरिंग। यहाँ पर एक काफ़ी बड़ा अच्छा खासा साइज का पर्ल है और इसके नीचे भी बहुत सुंदर स्ट्रैंड्स है जिसमें पर्ल है, हार्ट शेप है, इवन स्टार्स है, जो कि बहुत क्यूट लगते हैं। एंड मैं आपको दिखा दूँ इसका बैक, इसका जो पुश है उसमें भी एक्चुअली में पर्ल लगा हुआ है। लेट मी चेक। यस, ग्रेट। इसमें आपको इस पर्ल के साथ ये अटैच्ड मिल रहे हैं एंड ये मिल रहा है पुश। सो लेट मी ट्राई। सो आपको इसको कुछ इस तरीके से पहनना होगा। ओ माय गॉड, आई लव इट, आई लव इट। कोरियन ज्वेलरी की बात हो रही है और मैं रिंग्स शेयर नहीं करूं, ऐसा कैसे हो सकता है? ये देखो, यहाँ पर फोर रिंग्स का, वेट अ सेकेंड, ये देखो कॉम्बो था जिसमें वन इज दिस लिंक चेन वाला एंड ये ओवरलैप किया हुआ, देन ये स्क्वायर लिंक्स एंड ये सिंपल। सो वेट अ सेकेंड, मैं ना अपनी वाली रिंग्स उतार के आपको दिखाती हूँ ये हाथ में एक्चुअली पहनने के बाद कैसी लगने वाली है। सो ये है चारों रिंग्स, ये देखो बहुत ही सही लग रहे हैं यार। ये देखो, आजकल इस तरीके से स्टैक करके पहनना काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है, तो इनको आप ट्राई कर सकते हो। ओके, एक और पेयर मैं आपके साथ शेयर करूँगी जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगा मुझे। ये देखो, हैंडमेड मिरर ईयरिंग्स। ये देखो, यहाँ पर स्क्वायर में ये मिरर है, पूरा रियल मिरर, और नीचे एक छोटी सी झुमकी लगाई हुई है, मुझे बहुत क्यूट लगी और काफ़ी लाइट वेट है, क्योंकि ना हैवी ईयरिंग्स आप बहुत लंबे टाइम तक नहीं पहन सकते, कभी कभी पार्टीज में अच्छे लगते हैं, बट दिस इज़ अ गुड ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट सेगमेंट में चलते हैं। मैंने मंगवाए हैं दो नथ, क्योंकि बहुत सारे वेडिंग और फेस्टिवल्स आ रहे हैं तो मैंने सोचा कि नथ मंगाते हैं। मैंने भी काफ़ी टाइम से परचेज नहीं करी थी, हालांकि मैं नहीं पहनती हूँ, बट स्टिल ये वाला ना इस तरीके का जयपुरी या राजस्थानी नथ मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये देखो, ये ना नॉन पेयर्स वाले भी पहन सकते हैं, जिनको नाक में छेद नहीं है, ये यहाँ पे ना इस तरीके से पहना जाता है। सो इट इज़ लाइक, अब मुझे नहीं पता ये वेस्टर्न पर कैसा दिखेगा, बट मैं ट्राई करके दिखाती हूँ। ये देखो, काफ़ी प्रिटी है ना, मस्तानी वाली वाइब आ रही है मेरे को। कलर में भी इसमें दो तीन ऑप्शंस मिल जाएंगे आपको। एंड जो नेक्स्ट वाली है वो भी काफ़ी सुंदर है, डेंटी सी। सो इसमें ना एक स्टोन, ये भी नॉन पेयर्स वाले पहन सकते हैं। यहाँ पर ना स्टोन वाला एक ऊपर ये मिलेगा आपको नोज पिन, एंड इसके बाद इसकी पूरी लड़ी है ना, इस पर क्रिस्टल्स लगे हुए हैं मरून कलर के। ये भी मैं आपको पहन कर दिखाऊंगी तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा, बस ये मुझे आ जाए। सो ये कुछ इस तरीके से दिखने वाली है, ये काफ़ी डेंटी सी है। एंड ऐसा सेक्शन जो मैंने कभी आज तक ट्राई नहीं किया, जो कान का कान चेन होती है ना, जो सहारा चेन होती है, वो मुझे लेनी थी। तो जैसे मुझे मीशो पर दिखी मैंने ऑर्डर करी और मुझे बहुत ही ज़्यादा सुंदर वाली रिसीव हुई है। ये देखो, क्रिस्टल्स में कान चेन, क्रिस्टल स्टोन है इसका। वेट अ सेकेंड, ये देखो बहुत ही ज़्यादा सुंदर वाला क्रिस्टल स्टोन है इसमें। नीचे वाइट कलर के स्टोन है, इसमें ग्रीन, रेड आई थिंक कलर भी अवेलेबल थे। ये देखो बहुत ज़्यादा सुंदर, तो इफ़ यू वॉन्ट आप ले सकते हो उसको भी, काफ़ी प्रिटी लगता है इस तरीके से कान में लगाने के लिए। और एक और कान चेन मैंने लिया है, मैंने दो ऑप्शंस लिए थे, एक थोड़ा लाइट और एक थोड़ा हैवी में। हैवी वाला भी काफ़ी सुंदर है, ये देखो ये वाला बहुत प्यारा है। ये देखो कान चेन बहुत ज़्यादा सुंदर, मैं अगर इसको बालों में लगाऊंगी ऐसे, ये आपके पूरे कान को कवर करेगा एंड ईयरिंग्स के साथ ये बहुत सुंदर जाएगा, बिलीव मी। आपने कोई साड़ी पहनी है, ट्रेडिशनल कोई भी आउटफिट पहना है, उसके साथ ये वाले कान चेन बहुत अच्छे जाएंगे।
एक्चुअली में रिक्वायर्ड होते हैं, क्योंकि इतने हैवी हैवी हमें अगर ज्वेलरी ईयरिंग्स पहनने हैं तो इनकी रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा होती है। सो यही था आज के वीडियो में, आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा। कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और आगे और भी वीडियो देखने चाहते हो कि नहीं ये भी बताना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, बाय।